डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको पढ़ते समय संबंध की परिभाषा और उससे संबंधित एग्जांपल्स बताए थे कि एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर पढ़ते समय संबंध कहलाता है यदि ए का बी के साथ में रिलेशन है तथा बी का ए के साथ में रिलेशन है तो इम्प्लाइज ए बराबर बी। ये संबंध आपका पढ़ते समय संबंध होता है। इसी पर आज अपने एक प्रमेय करेंगे। परमेय आपकी है कि एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसमित संबंध होता है यदि और केवल यदि आर और आर के प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स का इंटरसेक्शन है वो सबसेट हो तत्समक संबंध का। ए पर तत्समक संबंध है उसका सबसेट हो तो ये जो संबंध आपका है प्रतिसमित संबंध होगा। प्रतिसमय संबंध है तो आर और आर इनवर्स का इंटरसेक्शन वो आई ए का सबसेट होगा। तो फर्स्ट अपन ले लें कि आर ए पर प्रतिसमय संबंध है तो माना आर एरिक समुच्चय ए पर प्रतिसमित संबंध है। आपको सिद्ध करना है आर इंटरसेक्शन आर यूनिवर्स है वो आई ए का सबसेट है। माना और ए और बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर इंटरसेक्शन आर यूनिवर्स है इसका अवयव है। तब ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स का अवयव है तो इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसका अवयव आर का अवयव भी है और ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर इनवर्स का भी अवयव है इम्प्लाइज ए बी है वो आर का अवयव है तथा ए बी आर इनवर्स का अवयव है तो बी ए है वो आर का अवयव हो जाएगा। आर आपका कैसा संबंध है प्रतिसमित संबंध है तो ए बराबर बी आ जाएगा सिंस आर प्रतिसमित संबंध है। तो इम्प्लाइज ए और बी दोनों बराबर हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किसका अवयव है तत्समक संबंध आई ए का क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं और आई ए के अंदर आई ए कैसे डिफाइन होता है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए टाइप के अवयव होते हैं फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए। ये आपका आई ए परिभाषित होता है इस तरह से। तो यहाँ ए और बी दोनों बराबर हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आई ए का अवयव हो गया। अतः ऑर्डर्ड पेयर ए बी है आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स का अवयव है इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आई ए का अवयव है। तो अतः आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट है आई ए का। विलोम ले लें माना आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स है वो सबसेट है आई ए का। सिद्ध क्या करना है आई ए है आर है वो आपका प्रतिसमित संबंध है।
प्रतिसमित संबंध है। माना, इसको नंबर एक लगा देते हैं, माना ए बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए प्रतिसमित संबंध दिखाना है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी ए है वो आर का अवयव है। यदि आर ए और बी बराबर दिखा देते हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, आर एक प्रतिसमित संबंध हो जाएगा। आर क्या आ जाएगा, प्रतिसमित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ इस नंबर एक है उसको यूज करना है, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स। तो यहाँ ये आर का अवयव है, इसको आर इनवर्स का अवयव बना दें, तो एम्प्लाइज ए बी आर का अवयव है तथा ए बी आर इनवर्स का अवयव है। एम्प्लाइज ए बी है, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स है इसका अवयव है। एम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आपका आई ए का अवयव है एक से, क्योंकि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट है आई ए का, आई ए का सबसेट है। तो ए बी आई ए का अवयव है, तो इसका आई ए में कौन से अवयव होते हैं, दोनों क्या समान होते हैं ए और बी, अतः ए बी आर का अवयव है तथा ए बी ए आर का अवयव है। इम्प्लाइज ए बराबर बी, अतः आर ए पर प्रतिसमित संबंध है। तो कोई भी समुच्चय परिभाषित संबंध प्रतिसमित संबंध आपको निकालना है या नहीं है वो देखना है, तो उसका प्रतिलोम संबंध निकालो, उनका इस के साथ में संबंध के साथ में इंटरसेक्शन ले लो, वो आई ए का अवयव आता है तो वो आपका संबंध आपका प्रतिसमित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कोई एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है, तुल्यता संबंध कहलाएगा कब वो समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो वो संबंध आपका एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तो एरिक समुच्चय समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। तो ये जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो समतुल्य, समतुल्य की डेफिनेशन से क्या आता है, अर्थात अपन कहें कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ये संबंध समतुल्य होता है। दूसरा सममित है, तो ए बी आर का अवयव है तो इम्प्लाइज बी ए है वो आर का अवयव है, तो सममित संबंध हो जाता है, ए और बी ए के अवयव है। तथा तीसरा संक्रामक, अर्थात ए बी आर का अवयव है तथा बी सी आर का अवयव है, इम्प्लाइज ए सी आर का अवयव है, जहाँ ए बी सी है वो ए के अवयव है। तो ये एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध है वो एक तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, समतुल्य है।
सममित है और कस है संक्रामक संबंध है। इस पर अपन एक एग्जांपल ले लेंगे छोटा सा। फॉर एग्जांपल अपन लें यहाँ पर जेड आपका पूर्णांकों का समुच्चय है, एम का मान ग्रेटर देन वन है, कोई प्राकृत संख्या है और जेड पर अपन एक संबंध परिभाषित अपन करते हैं। तो माना एम ग्रेटर देन वन कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तथा आर इसके अंदर ऑर्डर्ड फिर ए बी टाइप के अवयव हैं जहाँ ए कॉन्ग्रेंट है बी के, मॉडुलो एम ए और बी जेड के अवयव हैं, जेड की अवयव है, जेड पर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ये आपका संबंध आपका जेड पर एक तुल्यता संबंध है। समतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है और प्रतिसममित दिखाना है। तो ये जो आपके पास नोट करके देखें, ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो एम कब होता है, यदि और केवल यदि ए माइनस बी है वो एम से भाज्य है, एम से क्या है विभाजित होता है, तब ए और बी कॉन्ग्रेंट होते हैं मॉडलो एम पर। तो फर्स्ट अपन समतुल्य दिखाएंगे, ये जो संबंध है वो समतुल्य संबंध है या नहीं है। सिंस फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जेड, ए माइनस ए कितना होता है जीरो होता है, जो कि एम से भाज्य है, एम से भाज्य है, तो इम्प्लाइज ए कॉन्ग्रेंट है ए के मॉडलो एम, इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए ए है वो आर का अवयव है, अतः ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जेड, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है आर जेड पर समतुल्य संबंध है, जेड पर कैसा संबंध है समतुल्य संबंध है। अब अपन देखेंगे कि ये संबंध है वो सममित संबंध है या नहीं है। तो ए और बी एलिमेंट्स ऑफ जेड के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है, तो आपको क्या दिखाना है ऑर्डर्ड पेयर बी आर का अवयव है, तो इम्प्लाइज ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एम, इम्प्लाइज ए माइनस बी एम से भाज्य है, एम से भाज्य है, इम्प्लाइज b माइनस ए बी माइनस ए एम से भाज्य है, इम्प्लाइज b ऑर्डर पेयर b है वो r का अवयव है, अतः r z पर सममित संबंध है। अब आपको देखना है संक्रामक संबंध है या नहीं। तो ए बी और सी एलिमेंट्स ऑफ जेड के लिए माना ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ जेड के लिए
ऑर्डर पर ए बी जेड का आर का अवयव है तथा ऑर्डर पेयर बी सी है वो आर का अवयव है। आर की परिभाषा से ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो एम तथा बी कॉन्ग्रेंट है सी के मॉडलो एम। तो मीन्स ए माइनस बी एम से भाज्य है तथा B माइनस सी एम से भाज्य है। आपको क्या दिखाना है, A का C के साथ में R रिलेशन अर्थात A माइनस सी एम से भाज्य है। तो यहाँ देखिए कि अपने पास ये है B माइनस A और ये है A माइनस B, ये B माइनस सी। अब इससे A माइनस सी कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि कोई भी संख्या है, दो संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग एम से विभाजित होते हैं, उनका योग भी एम से विभाजित होता है। तो ये इससे आ जाएगा इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एम से भाज्य, इम्प्लाइज ए माइनस सी एम से भाज्य, एम से भाज्य। तो इम्प्लाइज ए कॉन्ग्रेंट है सी के मॉडलो एम, इम्प्लाइज ए सी ऑर्डर्ड पेयर ए सी आर का अवयव है। अतः ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर का अवयव है, इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो आर का अवयव है। अतः आर जेड पर संक्रामक संबंध है, जेड पर संक्रामक संबंध है, फलतः आर जेड पर संक्रामक संबंध है क्योंकि ये समतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक है। तो ये जो संबंध आपका एक तुल्यता संबंध है, क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दिखाना है तो मीन्स उसको समतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है और संक्रामक संबंध दिखाना है। तो ये संबंध आपका एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।